जल है, तरल है। अब फोर एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज वाटर। आदाब। नमस्ते। सत श्री अकाल। भाइयों, क्या आपको पता है हमारी धरती पर पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है? अरे क्या बकवास कर रही हो, पानी कैसे कम हो जाएगा, ये तो भगवान की देन है। पर मैंने तो सुना है हमारी धरती तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है, फिर भला पानी की कमी कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है? क्योंकि जो पानी है वो पीने योग्य नहीं है। क्यों भाई, क्यों? अरे वह पानी खारा है और जो पानी पीने योग्य है वह बहुत ही सीमित है। अच्छा, तो भाई यदि हम इसी तरह जल का उपभोग करते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आइए आपको दिखाते हैं। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी शुरू हो गई। मामू सुबह हो गई, मामू 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 सुबह हो गई, मामू मामू रे मामू। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो घड़ी के काटे भागे। यहाँ पिछले साल बारिश हुई थी लेकिन कम, और इस साल अब तक बरसात नहीं हुई। सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हम हैं।
शायद कभी न संभल पाएंगे। चलो आज ही प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संधारण करें। पानी का नहीं कोई स्थानीय।